क्योंकि मैंने मातृभूमि को यहाँ पर बचाना था। सरकारी नौकरी लगी नहीं, प्राइवेट कंपनी में मैं लखनऊ जॉब करता था। जब लोग जमीन बेच रहे थे, मैंने कहा मैं तो नहीं बेचूंगा, थोड़ा रोजगार भी हो जाएगा, अपने बच्चे भी पल जाएंगे और खेत भी मैं यहाँ पर आबाद करूंगा। जो यहाँ की सब्जियां हैं वो हल्द्वानी जाती है, कौड़ी दाम में बेची जाती है। गोभी है मेरे पास, इतनी डिमांड आ रही कि गोभी आप बेचो न, बाजार में जब रेट नहीं तो यहाँ कहाँ बिक पा रही है गोभी भी। भू कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड से क्या बम्बई दिल्ली के केरला के तक पहुँच गए, मेरे से भी कह रहे थे कि आप भी बेचो, मैंने कहा नहीं सर, मैं तो अपनी जगह बैठा रहूँगा, भले ही मेरे को दिन की मजदूरी मिले ना मिले, मैंने मातृभूमि को बेचना नहीं है। लेकिन जद्दोजहद जारी है, जिंदगी इसी का नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड के नैनीताल में हम मौजूद हैं, धानाचुली इस क्षेत्र का नाम है, जहां पर मैं हूं उसको मानागिर कहते हैं। यहां क्यों आया हूं ये बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी पलायन से जुड़ा एक मसला भू कानून का भी है, क्योंकि पलायन होने के बाद जिस तरह बाहरी लोगों का आना उत्तराखंड में शुरू हुआ, खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, उससे बड़ी एक विकट समस्या खड़ी हो गई। यहाँ के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, सरकार पर तमाम जिम्मेदारियाँ डाल दी गई हैं भू कानून बनाने की, लेकिन लोग कहाँ गलती करते हैं, कहाँ चूक जाते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आत्मचिंतन करना भी ज़रूरी है कि हम अपनी इस धरा को, हम अपनी इस पृथ्वी को, हम अपने इस मातृभूमि को, जिसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे अपनों ने सींच करके हमारे लिए संरक्षित रखा, उसको हम अपने मुनाफे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए बेचकर बाहर चले जाते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर हैं जिस पर सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इन्हीं सब के बीच जहां मानागिर में मैं मौजूद हूं, एक दुकान आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर फल फ्रूट रखे हुए हैं, सब्जियां रखी हुई हैं और ये उत्तराखंड के ऑर्गेनिक पदार्थ हैं। यहीं ये इसी ज़मीन पर ये उगते हैं और यहीं पर ये बेचे जा रहे हैं। इनको बेचने वाले शख्स मेरे साथ हैं, इनसे हमने बात की थी अभी और उनकी बात से मैं इतना प्रभावित हुआ, मुझे लगा कि इनको रूबरू कराना चाहिए आप लोगों से भी। क्या नाम है सर आपका? गणेश लाल। गणेश जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, इस दुकान के बारे में बताइए। इसमें एक्स आर्मी आश्रित लिखा है, हमारा सबसे पहली नज़र ध्यान इसी पर गया। हाँ। उसके बातें हमारी बातें शुरू हुई थी, तो थोड़ा इसके पीछे दुकान के बारे में बताइए। जो एक्स आर्मी मैंने लिखा था यहाँ पर, तो हमारे पापा बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में एक सिपाही के तौर पर थे, फिर करनल तक पहुँचे वो, उसके बाद रिटायरमेंट के उसमें फौजी लोगों का आवंटित हो रहा था ये प्लॉट। प्लॉट नंबर इसका 36 है, मनागिर की जगह है। और तो उसमें उन्हें भी एक एप्लीकेशन अपने विभाग को दी होगी, डिपार्टमेंट को दी होगी, तो उसमें उनको यहाँ पर एक प्लॉट आमंत्रित रहा जो एक एकड़ का हुआ। उस समय ये उद्यान विभाग द्वारा आमंत्रित हो रहे थे, तो फल पट्टी के लिए थे, तो उसमें तब उनका भी नाम शामिल हो गया। तो ये ज़मीन 1972 में मिली, तब से बंजर पड़ी थी। अरे, जहाँ पर आपकी दुकान है, मैं एक बार थोड़ा सा कैमरे पर दिखा देता हूँ, दूर दूर तक दूसरी कोई दुकान नहीं है, खाली ये पूरी रोड है, हाईवे एक तरीके से इसको कह सकते हैं, तो आसपास और कोई दुकान नहीं है। अमूमन देखते हैं कि दुकानें वहाँ होती हैं जहाँ बाजार होता है, तो कैसे एक अकेली जगह पर आप दुकान कर रहे हैं और क्या ये दुकान चलती है? तो यहाँ पर मैं अकेला हूँ, लेकिन दुकान अभी तो थोड़ी थोड़ी चल रही है, क्योंकि मैंने मातृभूमि को यहाँ पर बचाना था। मेन चीज़ थी मातृभूमि की, ये ज़मीन जो थी आज से 1972 में अलाटमेंट हुई थी, तब से कम हो गए, कम कर 50 साल कम से कम मानो, इसको 50-52 साल हो गए होंगे। तो बंजर ज़मीन पड़ी थी, मैं भी पहले बाहर कंपनी में काम था, बेरोजगार था, तो सरकारी नौकरी लगी नहीं, प्राइवेट कंपनी में मैं लखनऊ जॉब करता था, तब से मेरी शोध थी। लेकिन फिर बीच में हमारे पिताजी जो थे एक्सपायर हो गए, वो यहाँ पर कुछ नहीं बना पाए, और तब मेरी शोध थी, वो शोध मैंने आज जब लोग ज़मीन बेच रहे थे, मैंने कहा मैं तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक छोटा सा कारोबार कर रहा हूँ, कृषि से जुड़ा हूँ, खेती किसानी मैं करता हूँ, और उसी से मैंने कहा सोचा कि मेरी ज़मीन भी वहाँ पर मैं जाऊँगा। एक टीन छत मैंने यहाँ पर बना रखा है, और टीन छत के साथ साथ मैंने कहा थोड़ा रोज़गार भी हो जाएगा, अपने बच्चे भी पल जाएंगे, और खेत भी मैं यहाँ पर आबाद करूँगा, उसके बाद इसमें बगीचा लगाऊँगा, और आगे को यहाँ पर जो भी होगा, और मेरी ज़मीन भी यहाँ पर बच जाएगी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं इनसे आगे बात करूँगा। गणेश जी, इधर आइए थोड़ा सा। इन्होंने कहा ये लखनऊ में थे, वहाँ नौकरी करते थे, और वापस जो है ये वापस यहाँ आए, अपने अपनी मातृभूमि में आए, अपने गांव में, अपने गांव के नज़दीक आए हैं। गांव कितना किलोमीटर दूर है आपका जहाँ का? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, तो आप अंदाज़ा लगाइए, सुंदरखाल इनके गांव का नाम है। 5 किलोमीटर डेली की रनिंग होती है, आना जाना, 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना, और यहाँ मैंने आपको दिखाया आसपास और कोई दुकान नहीं है, अकेले ये यहाँ एक कुटिया इन्होंने डाली हुई है, क्योंकि पर टीन का शेड है, कोई पक्का भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो लेकिन जद्दोजहद जारी है, ज़िंदगी इसी का नाम है, और
इनकी एक बात से जो हम सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं वो ये कि अपनी जगह को नहीं छोड़कर जाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आपके पास जहाँ पर ये आपने बनाया है, इसके अलावा और कितनी ज़मीन आपके पास आसपास में? आसपास में मेरे पास करीब 30-40 नाली ज़मीन पड़ी है। 30-40 नाली सब आबाद है हमारे पास। बगीचा लगा रखा हमने सेब का। सेब ना कौन कौन सी फसलें आपने अब तक उगाई? हमने सेब में तो सभी जाति के वृक्ष हैं मेरे पास, और आलू हम लगाते हैं, मटर हम बोते हैं, और आलू और ये गोभी हम लगाते हैं, और मक्का हम बोते हैं, राजमा हम बोते हैं, और छोटी छोटी दलहनें जैसे मड़ुआ है ये भी हम बोते ही हैं। थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ से थोड़ा बहुत अपना आय के स्रोत निकल जाते हैं। करेला है, ककड़ी है, कद्दू है, सब चीज़ें। अभी मैंने कीवी के पेड़ भी डाल रखे हैं दो ही। अच्छा। मैं हर चीज़ का मतलब थोड़ा थोड़ा फोकस करता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ। तो जो ऐसे लोग हैं जैसे आपकी तरह जो यहाँ के पदार्थों को उगा रहे हैं और बेच रहे हैं, आप को कहाँ दिक्कतें आती हैं? थोड़ा हम आपकी बात सरकार और इन लोगों तक भी पहुँचाना चाहते हैं जो नुमाइंदे हमारे, ताकि आपकी दिक्कतें भी दूर हों। क्योंकि मेरे को दिक्कतें यहाँ की, लोग यहाँ से मेन चीज़ यह है कि जो यहाँ की सब्जियाँ हैं वो हल्द्वानी जाती हैं, कौड़ी दाम में बेची जाती हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि मेन कहीं आसपास ही इसका एक गोदाम बना जाए, कोल्ड स्टोरेज ना जाए, तो यहाँ का संरक्षित यहीं पर बिक जाए। अभी गोभी है मेरे पास, इतनी डिमांड आ रही कि गोभी आप बेचो, मतलब बाजार में जब रेट नहीं तो यहाँ कहाँ बिक पा रही है गोभी भी। तो यहाँ पर मेन समस्या आ जाती कि यहाँ पर मूल रकम जैसे हमारी जो सब्जी के दाम मुनाफित नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी एक बड़ी समस्या कोल्ड स्टोरेज का होना है। अगर भंडारण की व्यवस्था हो तो अपनी फसलों को ये बाद में भी बेच सकते हैं, है ना? चलिए मैं आपसे बात आगे करता हूँ, लेकिन पीछे का नज़ारा मैं दिखा दूँ। हिमालय की एक अच्छी खासी रेंज यहाँ से दिखाई देती है, इसका कुदरती महत्व आप इस जगह का अंदाज़ा लगाइए। और आप थोड़ा सा पैन करेंगे, कैमरा उधर देखेंगे, अगर आपको कुछ इमारतें, कई सारी इमारतें नज़र आएंगी। यहाँ पर कई रिजॉर्ट्स खुल गए हैं, बाहर से कई आकर के लोगों ने होटल्स भी खोल दिए हैं। तो मैं यही जो शुरुआत में बात आप लोगों को कह रहा था कि बाहर के लोग उत्तराखंड में आकर के, उत्तराखंड के लोगों से ज़मीन लेकर के यहाँ पर अपना साम्राज्य, अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, और यहाँ के लोग उन्हीं होटलों में, उन्हीं रिजॉर्ट में नौकर की भूमिका में काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना है, इसके बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को भी, और उन लोगों को भी जो अपनी ज़मीन अपने निजी फायदे के लिए बेच देते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ज़मीन के बारे में? मैं ये सोच रहा हूँ कि लोगों को भू कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कि हमारे गांव के लोग जो ज़मीन बेच रहे हैं उसके बाद उसका पैसे का सदुपयोग कर नहीं पा रहे हैं, और उस ज़मीन और उसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और किसी के पास तो रहने के लिए मकान भी नहीं है। मैंने खुद अपने गाँव में देख रखा है कि आप उनने अपना मकान तक बेच दिया है, और उससे क्या हो रहा है, हमारे माँ बेटियाँ जो हैं वो परेशान हो रही रात दिन, पी खा के वो लोग गांव में जैसे ज़मीन बेची सब पैसा वो शराब में जाता है उसका। उससे क्या हो रहा है कि हमारे माताओं को बहुत प्रभावित होता है कि अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा गणेश जी, मुझे बताइए, जैसे हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, कई लोगों के पास खरीदार आते हैं जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं, आपके पास भी कई लोग आए होंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा अनुभव रहा, क्या क्या आपको ऑफर किया गया? मेरे पास तो बहुत लोग आते रहते हैं कि ज़मीन के बारे में पूछते रहते हैं कि यहाँ क्या रेट क्या चल रहा है और कैसे हमको मिलेगी ये है। तो दुनिया भर के लोग भी आते हैं उत्तराखंड, कोई उत्तराखंड से क्या बम्बई, दिल्ली के लोग के केरला के तक पहुँच गए हैं। अच्छा, तो कितनी कीमत आपको बताते हैं, क्या कीमत यहाँ देते हैं वो लोग आपको? यहाँ ऐसे ही चला है 12-13 लाख रुपए नाली की कीमत देते हैं। आपको भी ऑफर आया होगा कि आपके बेचने ख्याल नहीं आया? हाँ, क्यों नहीं, मैं मेरे से भी कह रहे थे कि आप भी बेचो, मैंने कहा नहीं सर, मैं तो अपनी जगह बैठा रहूँगा, भले ही मेरे को दिन की मजदूरी मिले ना मिले, मैंने मातृभूमि को बेचना नहीं है। उसी के बाद आपका ख्याल आया कि ये आप शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे? हाँ, धीरे धीरे, मेरा एक छोटा सा कुटिया है ये, इसी से मैं मंजिल तक पहुँचूँगा। मेरा जब तक मेरा प्रश्न है कि मैं जब तक अपने रोजगार का एक छोटा सा साधन है मेरे पास, बाकी खेती बाड़ी है ही, मैं इसी को मैंने पूरा जो मेरा वो है जमीन आबाद करूँगा, हमें पेड़ पौधे लगाऊंगा, इसमें हरा भरा करूँगा उतर जहाँ पर कि मेरी जगह है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक संदेश देने की कोशिश है इस वीडियो के ज़रिए कि गणेश लाल जी जो काम कर रहे हैं अपनी छोटी सी कुटिया यहाँ पर, दुकान जिसको कहा जाए, और इसके आश्रय वो धीरे 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 एक बड़ी मंजिल की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और उनका कहना यही है कि हर बड़ी मंजिल के लिए छोटा कदम सबसे पहले चला जाता है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि गणेश लाल जी की इस कहानी से आप भी इंस्पायर हुए होंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, ताकि
वो लोग जो अपनी मातृभूमि को, अपनी धरा को छोड़ करके, उसको बेच करके चले जाते हैं बाहर और वहाँ मजदूरी करने लगते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो उसी ज़मीन पर बने होटल में मजदूरी करते हैं। ऐसा ना हो, ये विडंबना आगे जारी ना रहे, इसके लिए ज़रूरी है इस वीडियो को शेयर करें।